ढूंढ क्या रहे? खुशी, हैप्पीनेस। और हमारे साथ तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी कोई मोमेंट खुशी का अगर ना हो ना, तो एकदम हम परेशान हो जाते हैं, लगता है अब क्या होगा। अच्छा, खुशी भी एक्चुअली हम किन पे ढूंढते हैं ये भी एक सवाल है। टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे तो खुशी नहीं आ रही, स्टार्टअप नहीं चल पा रहा है तो खुशी नहीं है लाइफ में, आप जिस चीज को पाना चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल पा रही तो खुशी नहीं है लाइफ में। तो कैसे खुद को ठीक करें इस फेज से, यही गीता हमें सिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है इस श्लोक में, और चलिए अब जरा हम भी इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ और एबीपी लाइव पॉडकास्ट, यह गीता अनप्लग्ड, जहां वी मीट डेली। रोजाना गीता के किसी न किसी एक चैप्टर से मैं आपके लिए श्लोक लेकर के आती हूँ, उसका मीनिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेजेस आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और आज भी गीता के एक चैप्टर से मैं एक श्लोक लेकर के आई हूँ, और वो है फ्रॉम चैप्टर 2 श्लोक वर्स 15। क्या कहता है पहले संस्कृत में जानते हैं। यम हिन व्यथे अंत येते पुरुषम पुरुषर्षभ समुदह खसुकम धीरम सो अमृत वाय कल्पते। अब ये तो हुआ संस्कृत में, अब बारी आती है सबसे पहले इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की, विच सेज कृष्ण सेज टू अर्जुन, नोबलेस्ट अमंग मेन दैट पर्सन हु इज नॉट अफेक्टेड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड रिमेन्स स्टेडी इन बोथ becomes eligible for liberation. Now comes the Hindi translation, बड़ा ही easy language में समझेंगे। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें इन सबसे तो ऊपर उठना होगा, कि तुम्हें ये material happiness, unhappiness परेशान करे। लेकिन कैसे ऊपर उठे इन सबसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दो सवाल का आपको जवाब ढूंढना है, अगर इस सवाल का आपको जवाब जानना है। सबसे पहला तो सवाल है why do we aspire for happiness? And दूसरा question, Why doesn't material happiness satisfy us? क्यों खुशी की तलाश रहती है हमें, और आखिर ये material happiness कभी satisfy होती क्यों नहीं है? Everything we do in the world is for the sake of happiness. We all may have different views regarding where happiness lies or what form it might take, but all living beings seek nothing apart from it. हम actually सब खुशी की ही तलाश में हैं, और इसी की तलाश में रहते हैं, चाहे वो हम किसी इंसान में देखें, पैसे में देखें या किसी और में। Now let's understand the answer to the second question. The happiness we experience from the contact of senses with their objects in the reverse, it is temporary, finite, insentient. आज एक ड्रेस शायद आपको खुशी दे दे, आज एक मोबाइल फोन महंगा आपको खुशी दे दे, मगर कब तक देगा ये खुशी, क्योंकि ये मटीरियल हैप्पीनेस है। एंड द मटीरियल हैप्पीनेस दैट वी परसीव थ्रू द बॉडी कैन नेवर सैटिस्फाई द डिवाइन सोल। यही डिस्क्रिमिनेशन आपको समझना है, यही डिस्क्रिमिनेशन कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में समझाया है। अगर ये समझ लिया तब हम इन सबसे ऊपर उठ जाएंगे। ओनली देन वी राइज अबव दीज ड्यूअलिटीज एंड द मटीरियल एनर्जी विल नो लॉन्गर बाइंड अस। फिर हमें ये मटीरियल हैप्पीनेस अपने जाल में तो बिल्कुल भी ट्रैप नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं फंसा सकती। अब श्लोक सुनने में तो आसान लग रहा है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। So, मेरी कोशिश यही थी कि आज मैं आपको ये समझा सकूं कि ये जो हमारी नेवर एंडिंग हैप्पीनेस है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें, नेवर एंडिंग सैटिस्फैक्शन की ये जो एक चाह है इसको हम कैसे कंट्रोल करें। आज गीता प्लग में इतना ही, मुलाकात कल फिर से करेंगे एक नए श्लोक के साथ, उसका मीनिंग जानेंगे इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस, एंड विच इज वन मोटिव कि हम अपनी लाइफ को कैसे इजी गोइंग और सिंपल बनाएं। मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।